एलपीजी की गैस की कीमतों की कटौती के बाद क्या होंगे पेट्रोल डीजल के रेट कम, आज की इस वीडियो में देंगे आपको पूरी जानकारी। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो रोज डेली अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास आए बेल आइकन को प्रेस करें। हमारी वीडियो किस जिले, किस राज्य, किस गाँव से देख रहे हैं कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस की कीमतों में 200 रुपए की कटौती की है भाई। अब चर्चा है पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी को लेकर आने लगी है। बताते चले आपको, केंद्र सरकार ने महंगाई से राहत देते हुए आम लोगों के लिए रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की कटौती की है। तो वही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की हुई लाभार्थियों के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर प्राइस में 400 रुपए की कमी की गई है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की संभावना बढ़ चुकी है। सिटी ग्रुप इन मुताबिक रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती के बाद के कदम महंगाई दर कम हो सकती है और कुछ प्रमुख त्योहारों पर प्रमुख चुनाव से पहले गैसोलीन और डीजल की कीमतों में कमी की ओर फोकस हो सकता है। अर्थशास्त्री का कहना है कि गैस की कीमतों में कमी का फैसला महंगाई दर में 30 बेसिस प्रोवाइड की कमी कर सकता है। इसके अलावा सितम्बर में टमाटर प्राइस में कमी से बढ़ी हुई महंगाई दर 6% के नीचे रहने वाली महंगाई दर जुलाई 15 महीने के उच्च स्तर पर पहुँच गया था और अधिकारी खुदरा कीमतों को कम करने के लिए एक्टिव कदम उठा रहे हैं। भारतीय सरकार घास कीमतों की कमी करके आम लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए प्रयास में है। पिछले कुछ दिनों से सरकार ने चावल, गेहूं, प्याज और अन्य अनाजों को एक्सपोर्ट पाबंदी पर लगाई है ताकि बढ़ती कीमतों से राहत दी जा सके। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कम से कम 5 राज्यों में इस साल की आखिरी तिमाही में चुनाव होने वाले हैं। इसके बाद 2024 की शुरुआत में राष्ट्रीय चुनाव होने से ऐसे में अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आने वाले समय में राजकोष और अधिक पैसे खर्च हो सकते हैं। आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हो सकती है। इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता के बावजूद गैसोलीन और डीजल की पंप कीमतें एक साल से अधिक समय परिवर्तन बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि ईंधन की लागत में किसी भी तरह की कटौती उत्पाद शुल्क में कटौती के जरिए की जा सकती है। ऐसे ही डीजल पेट्रोल से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास आए बेल आइकन को प्रेस करें।